Zakira. ما وای چې چاته شتول برا جاي بزا پرې زما اسکو تناولا چیتې अगर एक तो ये बजिंजो जो है ना वो रॉन्ग नंबर है, ठीक है, और आप इसको जरा एक दफा देख लीजिएगा, तो वो रॉन्ग नंबर था पहले से, सबको पता था। एक दिन पहले तक, बल्कि एक घंटे पहले तक उनको बड़ा यकीन था कि हम जीत जाएंगे। अगर ये जीत जाते तो जमहूरियत की फतह हो जाती, ये हार गए हैं तो मुल्की इदारों को निशाना बनाओ। डॉन लीग से ये कहानी शुरू हुई थी। डॉन लीग का जो नैरेटिव था वो यहाँ पर भी प्रमोट किया गया। जो जेल से आवाज़ें आती है अपनी करप्शन बचाने के लिए, लूटा है बेदर्दी से मुल्क को, और कोई भी चीज़ हो जाए, क्योंकि ये संजरानी जब मुंतखब हुआ पहली दफ़ा तो इन्होंने क्या कहा था कि हमने इसको मुंतखब करवाया, हमारे सेनेटर्स ने वोट किया, मिठाइयाँ खिला रहे थे एक दूसरे को, मिठाइयाँ, ये बिलावल, ये सारी जरदारी, ये मिठाइयाँ खिला रहे थे। लेकिन वो सेनेटर ने आज भी 2 साल उसके साथ गुजारे थे, ताल्लुक बना था, अच्छा हाउस चलाया था, उन्होंने उन पर इत्माद किया, फिर उसके बाद इदारों को टारगेट करते हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। और ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। एक सेनेट की इन्होंने आवाज़ निकाली थी, कभी कहते कि इमरान खान को हम नहीं छोड़ेंगे, कभी कहते कि हम सेनेट के चेयरमैन को हटा देंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन्होंने पैसा लूटा है, जेलों के अंदर भी डालेंगे और इनसे पैसा भी निकलवाएंगे। और इमरान खान की हुकूमत जब आई तो हमने काम उसके ऊपर तेज़ कर दिया, और उसके बाद वो मेंगौरा तक मुकम्मल हो चुका है। कालाम में एक सेक्शन जो रहता है उसके ऊपर एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर किसी को शिकायतें भी हुई थी, यहाँ पर मेंगौरा में एक जुलूस भी निकाला गया था। लेकिन सबको पता है कि किसने मुल्की खजाने को नुकसान पहुँचाया और किसने आवाम के पैसे के ऊपर डाका डाला, वो भी साबित हो गया। दूसरी चीज़ की नई शाहराह कौन सी बन रही है, दो राबता पुलों का आपने जिक्र किया, वो बिल्कुल सीएम साहब यहाँ पे मौजूद है, दोनों बजट में रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, दोनों की मंजूरी हो चुकी है। तीसरी चीज़ कि हम अपने जो स्वात मोटरवे है उसके एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं, चकदर से हम इसको बाडेरे से आगे लेके चले जाएंगे, जिससे स्वात की जो इकानमी है वो भी रिवाइव हो जाएगी, टूरिज़म को फ़रोग भी मिल जाएगा, और सीपैक के साथ ऑलरेडी हम कनेक्ट भी होंगे। कि वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के पहले हफ्ते में जब हमने मसला उनके सामने रखा कि फाटा और पाटा दोनों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी है, इनके ऊपर एक्सटेंशन हो रही है, आईनी तरमीम आई है, इनको इससे इस्तिस्ना दिया जाए, इस्तिस्ना दिया गया, टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया। देखिए जी, महंगाई के बारे में बात की गई, बिल्कुल हम ये मानते हैं कि सख्त हालात है, मैंने अपने स्पीच में भी जिक्र किया कि इस वक्त हालात सख्त है, लेकिन ये हालात और ये महंगाई क्यों आई इस पर आप लोगों ने सोचा है? ये उन लोगों की वजह से आई है जो 30,000 अरब कर्जा हम पर छोड़ के गए, जो उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, जो बिगाड़ दिया है, उन लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से ये चीज़ हम भुगत रहे। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त अच्छा होगा, ये हालात इस तरह नहीं रहेंगे। हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कभी किधर जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, आप लोगों के ले जाते हैं, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी और हम इंशाल्लाह अच्छे हालात ज़रूर आएंगे। ये पॉपुलेशन पर ज़रा गौर करें, और ये मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और स्वाद के हवाले से इसलिए खसूसन बात कर रहा हूँ, जब 2009 में ऑपरेशन हुआ, 2010 में फ्लड आया, तो मैं खुद यहाँ पर मौजूद था, सिर्फ ये ब्रिज बाकी था, बाकी इसके साइड सब गायब हो गए थे। तो ये इसमें यह था कि मैं उस वक्त इतनी आबादी नहीं थी, लेकिन पता नहीं 2010 के बाद जितनी हमारे रैपिड आबादी हो गई है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सारे मीडिया वाले तक एक कंपेन चलाए एक गुडविल में, ताकि कम से कम हम आबादी को कंट्रोल कर सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये इस वक्त ज़रूरी है कि हम इसको कंट्रोल कर लेते। तो ये एक रिक्वेस्ट है जी। स्वात यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े मसले थे जो अब इंशाल्लाह हम हल करने जा रहे हैं। तकरीबन उसमें कुछ टेंडर्स वगैरह मंसूख भी हुए, आप लोगों को पता है, तो इंशाल्लाह उस पर जल्द हम दोबारा काम शुरू करवा देंगे, और ये यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी मुस्तकबिल करीब में।
बाकी मेरे भाई ने पूछा कि ये कम्युनिटी पुलिस के हवाले से उन्होंने बात की। मेरे भाई ये परमानेंट हो चुके हैं, इनका जो टेनेवर था जून 2018 तक, ये 19 तक ये उस वक्त इसका टेनेवर था, उसको हमने 6 महीने और एक्सटेंड करवाया। 1 महीने के अंदर इनके एक्ट असम्बली में आ जाएगी तो ये परमानेंट हो जाएंगे। बाकी उसने सवाल किया स्कूल के बच्चों के हवाले से, इसमें इस तरह है कि एक तो हम सेकंड शिफ्ट उसमें शुरू करवा रहे हैं, तो चेयरमैन साहब आएंगे फजल हकीम खान, बाकायदे तौर पर पीर के दिन मैंने इसके लिए मीटिंग रखवा दी है। और बाकी कॉलेजेस भी इंशाल्लाह जिस तरह मुराद ने आप लोगों से कहा कि हर तहसील पे एक नया कॉलेज बनेगा, तो उससे भी काफ़ी वो हमारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मैं ये आपको बताता चलूँ कि आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है और मीडिया वाले यहाँ पर मौजूद है, स्पीकर दे सही ना यार।